कॉन्स्पिरेसी देखते हो जो हो रहा है कितना एकदम 100% सोशली 1000% के कॉन्ट्रास्ट में है। और केंद्र की सरकार ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी सरकार उद्योगपतियों की है, आम लोगों के लिए नहीं है। और जिस तरह से उद्योगपतियों को चाला देने का काम, बुद्धि में उद्योगपतियों को चाला देने का काम किया जा रहा है, यही उसमें स्पष्ट था। उद्धव शिवसेना जो है उनका एक बयान है, उनका कहना है कि विवादित विषय उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखो वो मराठी भाषी है और वो महाराष्ट्र में आना चाहते हैं, तो जब महाराष्ट्र में आना चाहते तो उसको केंद्र शासित करने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में आना चाहते तो बिल्कुल उनको महाराष्ट्र में लेना चाहिए, उसमें केंद्र शासित करने का कोई मतलब नहीं। नाना जी आपको लगता है कि लोग आने चाहिए क्या, पूरा वो जगह ही महाराष्ट्र में उनकी प्रॉपर्टीज वहाँ पर है, वो लोग वहाँ रहते हैं, पूरा के पूरा एरिया जो उनकी मांग है बाकी लोगों को से हमें महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग उनकी है। सर कल गुजरात की काउंटिंग है, हिमाचल की काउंटिंग है, आज उससे पहले एनसीपी दिल्ली का नगर निगम का चुनाव रिजल्ट आया है, उसमें बीजेपी हार गई है लेकिन आप पार्टी जो है वो मेजोरिटी में आई, 50% से ज़्यादा सीटें मिली। एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि टॉप कांग्रेस की जगह आप पार्टी ले रही हुई है। देखो भाजपा के लिए पर्याय सीट कांग्रेस ही है और आने वाला कल देश में कांग्रेस से ही पूरा आना चाहिए, ये देश की जनता की भावना है। राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा कन्याकुमारी से काशी चल रही है उसके साथ लोगों का जो उपयोग राहुल जी के साथ मिल रहा है तो आप सब लोग देख रहे हैं और वो जो मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है वो बात अलग है, लेकिन इंसान कैसा मिल रहा है वो आप सब लोग देख रहे हैं। तो कांग्रेस को ही बीजेपी का पर्याय समझ के जो भी कोई पार्टी अपने आप को लेवल पे जाना चाहती है वो पॉसिबल नहीं है। वही दिल्ली के चुनाव की बात है, दिल्ली में उनकी सरकार है और दिल्ली में सरकार है तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा पावर जो होने की वजह से उनकी सत्ता आना वो स्वाभाविक है। लेकिन वहां पर जो भी कुछ कांग्रेस का है वो काम करे मारा शरीर।